This is Rupali and I am going to teach you physics. Okay, so let's start. In the previous lecture, we discussed about the experiment which shows that a bar magnet has a magnetic field which is represented by the magnetic field lines. Okay, today we will discuss about the magnetic effect of electric current. Now we have got some basic ideas about a magnet and a magnetic field. With these ideas in mind, we can now start with the magnetic effect of electric current. So we are starting with the main topic of the lesson, that is the magnetic effect of electric current. Okay, now we will talk about the experiment which was performed by a scientist named Oersted. Actually, he tried to establish a relationship between the electricity and magnetism. So let us look at the experiment which he had performed. Is experiment ke pehle इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे. इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा इन सब के बारे में पढ़ते थे और मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते थे, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ते थे. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑब्जर्व की थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ रिलेशनशिप है. ही ऑब्जर्व दैट देयर वॉज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो ये उन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया था, तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. राइट, उन्होंने क्या किया था कि एक वायर था जिसमें करंट था. ओके, करंट, अ वायर कैरिंग अ करंट वॉज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नेडल. उन्होंने देखा था कि जब एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा था तो उसके पास रखी एक कंपास की जो नेडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई. इसका मतलब उस वायर के आसपास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड थी. Concluded that the current flowing in a wire always give rise to a magnetic field around it. इसका मतलब ये था कि अगर किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है. हमने स्टार्टिंग में भी देखा था. द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था. अब हम देखेंगे ऑर्स्टेड के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट था क्या. वी विल नाउ डिस्क्राइब द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, हमने एक थिक कॉपर का इंसुलेटेड वायर लिया हुआ है और उसको हमने इस तरीके से फिक्स किया हुआ है कि उसका ये जो पोर्शन है ए और बी, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है. ए जो है वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, बी जो है वो साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है. फिर उसके पास में हमने एक प्लॉटिंग कंपास रख दिया, जिसको हम सिंपली कंपास भी बोलते हैं, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है. जो वायर के टू एंड्स हैं उसको हमने बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब ये जो कंपास की निडल है ये इस वायर के बिल्कुल पैरेलल है. ठीक है, और बिल्कुल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट कर रही है. लेकिन जैसे ही हम इस वायर में से इस स्विच को ऑन करते हैं तो वायर जो होगा उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही वायर में से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये जो कंपास की निडल होगी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपनी नॉर्थ साउथ पोजिशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो जैसे हम अगर इसको वापस स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाएगी, मतलब फिर से ये इस पोजीशन पे ही आ जाएगी. तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया है तो वो डिफ्लेक्ट हुई और जैसे ही हमने स्विच को ऑफ कर दिया है तो वो अपनी नॉर्मल नॉर्थ साउथ की पोजीशन में वापस आ गई. इसका मतलब ये है कि इसके आसपास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है. So what we concluded from the experiment, the deflection of a compass needle by the current carrying wire in the experiment shows that an electric current produces a magnetic field around it. इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डेवलप हो जाती है. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था. About the magnetic field patterns produced by the current carrying conductor having different shapes. ठीक है, यहाँ पे magnetic field patterns का मतलब होता है shape of a magnetic field lines, की magnetic field lines जो होंगी उसका shape कैसा होगा, circular होगा या कुछ और होगा. ठीक है, produced by a current carrying conductor having different shape. अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकता है, वो एक सर्कुलर लूप भी हो सकता है, या फिर वो एक सोलेनॉइड भी हो सकता है. तो अब हम देखेंगे कि
जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, सर्कुलर लूप प्रोड्यूस कर रहा है या जो सोलेनोइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कैसा होगा या जो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, सर्कुलर लूप का मतलब है यहाँ पे सर्कुलर वायर, और सोलेनोइड हमें पता है, सोलेनोइड मतलब एक लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर होता है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो यहाँ हमारे पास फिगर है, हम देखेंगे कि अगर मान लो कि किसी भी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्टिकल वायर है ए बी, जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी और स्विच से कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड की शीट ली है। ठीक है, ये कार्डबोर्ड शीट है जिसमें से हमने वायर को पास किया है। ओके, अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा कि इस वायर में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस वायर में से करंट पास होगा तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम कुछ आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे इस कार्डबोर्ड की शीट पर, और जब इसमें से करंट पास होगा तो हम इसे टैप करेंगे। आयरन फाइलिंग्स जो होंगी वो इस करंट के कारण मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगी, और जैसे ही हम कार्डबोर्ड शीट को टैप करेंगे तो वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर देंगी। तो वो इस पैटर्न में अरेंज कर देंगी, मतलब ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे। इससे हमें पता चला कि जब भी एक स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल होता है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए हम यहाँ पर एक प्लॉटिंग कंपास को रख देंगे। ठीक है, जो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है एक स्ट्रेट वायर के कारण, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर इन नेचर होती हैं। ओके, अब अगर मान लो कि डायरेक्शन जो है करंट का वायर में वो अपवर्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, और अगर इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि अगर जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो चीज़ें पता चली कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब अगर वायर में करंट हम इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ग्रेटर द करंट इन द वायर, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। और दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, मतलब इस वायर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वीक होती जाएगी। ओके, सो ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर, वीकर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये दो चीज़ें पता चली। पैटर्न देखा ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें हमने देखा कि दे आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर्स लाई ऑन अ वायर। हमने देखा कि अगर एक स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है तो उसका जो पैटर्न होता है वो सर्कुलर होता है, मतलब दे आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका जो सेंटर होता है वो वायर पे ही लाई करता है। सेकेंड, हमने देखा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। हमने देखा था कि जब भी करंट जो होगा अगर हम उसे इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो वायर से दूर जाने पर डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखा, किस तरीके से ऑर्स्टेड जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया था, किस तरीके से उनने प्रूफ किया था कि जो भी करंट होता है
अगर वायर में से करंट फ्लो करता है तो किस तरीके से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न था उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।